हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल है आप सब लोगों के? भाई लोग, सबसे पहले तो मुझे ये बताना, मैं अभी जिधर देख रहा हूँ, जैसे नॉर्मल देख रहा हूँ, एम आई लुकिंग डायरेक्टली एट यू गाइज और एम आई लुकिंग समवेयर एल्स? प्लस ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं, प्लीज मुझे एक बार ही बता देना, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टुडे, देयर इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बेटर करने के लिए, तो प्लीज एक बार जस्ट लेट मी नो इफ आई एम लुकिंग एट यू गाइज राइट नाउ। If I'm looking at you guys right now, तो please बता देना, इधर उधर कहीं देखना है तो बता देना। No, some जया जी कह रही है no, okay, audio is good, video and audio good, एक बार ऊपर, अच्छा, is this better right now यहाँ पे? Let me know if this is better, thumbs up देना, और this is better, ये बताना मुझे, if this is better, looking right, not looking at me, I guess you're looking at camera. No. बस यही कंफ्यूजन है कुछ चीजों को ट्राई करने में। अच्छा, मैं अभी कहीं नहीं देख रहा, मैं सिर्फ आप लोगों की तरफ, एज इन अपने ही आपको देख रहा हूँ, चैट रूम की तरफ और आपकी तरफ। इज दिस लुकिंग फाइन? अभी जो है, अभी मैं यहाँ इस पोजिशन से हिलने नहीं वाला अगले 10 सेकंड तक, प्लीज मुझे बता देना द करेंट पोजिशन जहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ये भी कंफ्यूजन है कि बंदा देखे तो कहाँ देखे, ऊपर देखे कि नीचे देखे, सेकेंड इज बेटर हल्का सा ऊपर, इज दिस बेटर, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना तो अब क्या ही करें, लुकिंग फाइन अभी ठीक है ना, मेरे ख्याल में अभी ठीक है। अभी मैं अगले 30 सेकंड तक आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू यू गाइस रैंडमली एंड लेट मी नो इफ दिस लुक्स परफेक्ट, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर वीडियो में मैं कहीं और देखूं, अगर कुछ और बातें करूं और आपको लगे कि आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो जीवन की विडंबना हो जाएगी ऐसी जाने कैसी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसी या श्रीशांत जैसी, अजय जडेजा जैसी जैसी या अजय शर्मा जैसी, अजय शर्मा हाँ सही है ना, चॉइस इज योर, चॉइस इज माइन। अब ठीक है तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है, लेट मी नो इफ द वीडियो इज लुकिंग बेटर देन। चलो परफेक्ट परफेक्ट। सो बिना किसी, जैसे अमिश देवगन कहता है News18 पे या जो भी चैनल पे वो बैठता है, बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछता हूं, कहता क्या चल रहा है ये देश में, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या चल रहा है देश में। मेरा सवाल आज ये है क्या चल रहा है क्रिकेट में। अब क्रिकेट में भारतीय टीम की 3-0 से जीत हुई है न्यूजीलैंड के ऊपर, चलो अपने घर में खेल रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई हो टीम को। राहुल द्रविड़ एज ए कप्तान, नए नए उनके पहली सीरीज थी फुल टाइम कोच, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। बट मैं बात करने आया हूँ हिस्ट्री की, मैं बात करने आया हूँ उन चीजों की जिनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। वी ऑल कीप सीइंग बॉयकॉट बॉलीवुड, वी ऑल कीप सीइंग बॉयकॉट ब्रांड्स दैट आर दैट डू नॉट सिंक विथ आर आइडियोलॉजी ऑफ, हम ब्रांड्स के बारे में, एडवर्टीजमेंट्स के बारे में और रिलीजन सेंटिमेंट्स के बारे में, कल्चरल सेंटिमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, ब्रांड्स उनके बारे में उतने अच्छे से नहीं सोचता। एंड दैट इज द रीजन वाई हमने क्रिकेटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठाने शुरू किए, जहाँ पे हमारा भारतीय कप्तान जो ये कहता रहता है कि पटाखे मत फोड़ो, बट अपनी शादी में खूब पटाखे फोड़े थे, और ऐसे लोग प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग, दूसरे लोग जो कि बड़े 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 कीनों के अंदर शादी अरेंज कराते हैं, खूब आतिशबाजी करवाते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि पटाखे मत फोड़ो। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्सेस। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे, एक सेकंड भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे क्रिकेटर्स, आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे बॉलीवुड, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, इन सब चीजें, जो भी आप चीजों को बोल दो, जो भी चीजें इन्वॉल्व हैं उन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। एंड वहां जाएंगे जहां पे लोग जाने की हिम्मत नहीं करते या जाने की कोशिश नहीं करते या ये सोचते हैं कि जाके कोई फायदा नहीं है बिकॉज व्यूज नहीं आएंगे या करंट टॉपिक नहीं है। करंट टॉपिक है इनडायरेक्टली रिलेटेड। नाउ बॉलीवुड की अगर बात करें, लिंक्स ऑफ बॉलीवुड ड्रग्स एंड अंडरवर्ल्ड, अगर आप इनके जो अभी पिछले 1.5 साल से बातें चल रही है उनके बारे में बात करें, तो ये नया नहीं है, ये काफी सालों से यहाँ पे रहा है। काफी केसेस ऐसे आए जहां पे बॉलीवुड स्टार्स और दूसरे स्मॉल टाइम एक्टर्स जो कि
पकड़े गए हैं दुबई जैसे एरिया में, दुबई जैसे एरिया में, चाहे वो छोटा अमाउंट ऑफ ड्रग्स हो चाहे बड़ा अमाउंट ऑफ ड्रग्स हो, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, रीजन चाहे जो भी हो, even though they have been caught in at Dubai, which is considered to be Dubai or UAE, बहुत ज़्यादा stringent माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा what do you say tough बोलते हैं, जिसको tough माने जाते हैं अपने laws को लेके, कि अगर आप drugs के साथ पकड़े गए तो आपको हो जाएगी जी जीवन की विडंबना, ऐसी ही जाने कैसी, और आपके वहां पे वहां वहां वो किया जाएगा और वो भी उसाया जाएगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस देश का कानून तोड़ा है। चलो YouTube के तरफ से मेरे पास एक मैसेज ऑलरेडी आ गया है इन रिगार्ड्स टू दिस वीडियो, लेट मी गो अहेड एंड अपील इट टू देम कि भाई हम कुछ गलत बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उस इंसान का जो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, घटिया इंसान है, जिसका नाम है विजय राज। विजय राज नाम का वो इंसान, हालांकि एक्टर अच्छा होगा मुझे पता नहीं है, बट ही वॉज कॉट विद ड्रग्स इन दुबई। अच्छा मैं वीडियो आगे बढ़ने के पहले भाई एक छोटी सी चीज और बता दूं, मैंने आज बहुत कुछ ट्राई किया है टेक्निकल सेटअप में, तो हो सकता है बीच में मैं फ्रीज आउट हो जाऊं, तो उस टाइम पे थोड़ा सब्र रखना, बिकॉज आई माइट हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग एंड कम बैक। तो वो फेज ऐसा होगा जहाँ पे चैट रूम में सिर्फ आप एक दूसरे से बात करोगे, ना मुझे देख पाओगे ना मुझे सुन पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, बट देन अगेन विल सी, विल होपफुली कुछ भी बाहर नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। कमिंग बैक टू विजय राज ड्रग्स के साथ दुबई में पकड़ा जाता है, लेकिन आज की डेट में वो फ्री घूम रहा है। कैसा? जो रिपोर्ट्स हैं अगर आप मीडिया में जाओगे, थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा जो जिनके अंदर गट्स हैं बात करने की, आरबीएस मनी सर ने भी, अगर याद हो हमारे साथ जो इंटरव्यू हुआ था हमारे चैनल पे, अगर देखा नहीं है तो देख लेना आरबीएस मनी सर का इंटरव्यू स्टाइलर के चैनल पे, उन्होंने भी ये कहा था कि क्लोज कनेक्शन है ऐसे एक्टर्स के दाऊद इब्राहिम के साथ, और क्लोज कनेक्शन है इन लोगों के अब्दुल रहमान बुखातिर फ्रॉम द आमिर बोलते हैं EMIR, जो भी आमिर्स फैमिली बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसका, उनके साथ क्लोज कनेक्शन। नाम याद रखना, कुछ नाम आपको बताऊंगा जो शायद आपने सुने नहीं होंगे, उनका रेलेवेंस क्या है आज से लेके हिस्ट्री तक उसके बारे में बताऊंगा जहां पे किसी ने बात नहीं करी है। तो अब्दुल रहमान बुखातिर, इस नाम को याद रखना। नाउ यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक छोटा सा एक्टर विजय राज, उसके लिए वाई वुड पीपल फ्रॉम दाऊद का गैंग आर गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, इसको वापस जाने दो। An intervention like this, a mediation like this can only happen if Vijay Raj was actually a front for some big name or a courier for the D company. That's what I think. Ya to uske piche aur koi log hain jinko bachane ke liye sirf uska naam aaya, uske upar tak naam nahi gaya hai, usko chhod diya gaya, aur कोई कुरियर था ऐसा डी कंपनी का जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। अगर आपको याद हो दाऊद के बुखातिर के साथ, बुखातिर आपने नाम सुना नहीं होगा, सो लेट मी डू वन थिंग सबसे पहले, तो लेट मी गो अहेड एंड गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट अब्दुल रहमान बुखातिर की। अब्दुल रहमान बुखातिर एक्चुअली में है क्या, इसका इंडियन क्रिकेट के साथ क्या रिलेशन है, आज का नहीं सालों पुराना, जहां पे आप और मैं, हम में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम का कनेक्शन है, वो पहले बता देता हूँ। पर ये आपको यहाँ पे ये भी जोड़ दो कि दाऊद इब्राहिम का बुखातिर के साथ बहुत तगड़ा कनेक्शन है, और क्रिकेट मैचेस जो फिक्सिंग होती थी 90s के अंदर, उनके अंदर इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। एंड इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट आफ्टर 1993 डी कंपनी ने शिफ्ट किया था बेस दुबई में, एंड विजय राज इकलौता केस नहीं है, इंटरनेट पे जाओगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नाउ लेट मी कम टू बुखातिर फॉर द ट्राइम्बिंग, ताकि आपको एक रिलेवेंस नजर आ जाए कि मैंने आज का टॉपिक क्यों उठाया एंड बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है। 1981 में एक प्लान बना एक एग्जीबिशन मैच का, एक अनऑफिशियल कॉन्टेस्ट, ICC से अप्रूव नहीं था, एक अनऑफिशियल कॉन्टेस्ट इन द डेजर्ट्स ऑफ शारजा, और वहां पे एक अनऑफिशियल मैच का जुगाड़ किया गया। ये था 1981 में, विच वुड गो, उसके बाद बेसिकली शारजा क्रिकेट स्टेडियम की जन्मतिथि निकली बेसिकली, कि एक बैरन लैंड जहां पे कुछ भी नहीं होता है, वहां पे एक कॉन्क्रीट पिच, एक सिंथेटिक पिच के ऊपर एक मैच अरेंज किया गया जिसका ICC से अप्रूवल नहीं था। एक एग्जीबिशन मैच होता है टू बेनिफिट पाकिस्तान का एक बल्लेबाज हानिफ मोहम्मद और रिसेंटली रिटायर्ड उनका एक और प्लेयर आसिफ इकबाल, उन लोगों के लिए
सिंथेटिक पिच के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया सिंथेटिक सरफेस के ऊपर मैच होना था, और 1000 स्पेक्टेटर्स का सीटिंग अरेंजमेंट था कि 1000-1500 लोग वहां पे बैठ सके। नाउ आसिफ इकबाल जो उस टाइम पे रिटायर हुआ ही था, उसको एक टास्क दिया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत टीमें हैं उनको लाया जाए यहाँ पे खेलने के लिए, और उस टीम को नाम दिया जाए गावस्कर 11 एंड मियादाद 11। नाउ इमेजिन करो सिचुएशन अब ये कि हनीफ मोहम्मद और आसिफ इकबाल का बेनिफिट मैच, ठीक है, इंडिया क्यों खेल रहा है उसके लिए? इट कुड हैव बीन पाकिस्तान 11 वर्सेस वर्ल्ड 11, बट इंडिया क्यों खेला है इसके लिए? मेरी ये चीज सबसे पहला कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट तो ये कि मेरी ये समझ भी नहीं आया कि इंडिया क्यों खेला। एनीवेज उस टाइम पे आसिफ इकबाल जो लंदन शिफ्ट हो चुका था वो पाकिस्तान उड़ता है और जाके जावेद मियादाद से मिलता है, और वो जावेद मियादाद को जाके ये बोलता है कि इंडिया टीम जो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा था कि उनको भी कोशिश करो, इंडिया का टीम को कोशिश करो लाने का। और इकबाल ने चांस लिया और कॉल किया एक इंसान को जिसका नाम है माधव मंत्री। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू दिस मैच हैपेंड आफ्टर गावस्कर रिटायर। ओके सर, सुनिए सर, गावस्कर रिटायर की भी बात आएगी सर, आप लोगों में से माधव मंत्री ने कितने लोगों का नाम सुना है एक बारी में जो बता दो, माधव मंत्री का कितने लोगों ने नाम सुना है? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस नेम माधव मंत्री? नहीं सुना तो थम्स अप दे दो, सुना है तो थम्स अप दे दो। जिस मैच में कामरेड हुआ था वो मैच फिक्स था, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है। नो, नहीं सुना। ओके, सो माधव मंत्री, बेसिकली माधव मंत्री जो है वो थे हमारे सुनील गावस्कर के चचा, यानी कि अंकल। अब चचा तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मामा थे, काका थे, ताऊ थे, वो मुझे इतनी डिटेल्स में नहीं पता, बट चचा नाम लेके चलते हैं कि माधव मंत्री चचा थे सुनील गावस्कर के, ठीक है, जाके इंटरनेट पर सर्च कर लेना, ऐसे नहीं बोल रहे, इट इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड थिंग। तो मंत्री ने उस टाइम पे ये बोला कि मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इकबाल को उसी टाइम पे लगा कि अब इसने बोल दिया कि देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, मतलब कि पॉसिबिलिटी है। मैच के एक दिन पहले 3 अप्रैल 1981 को आसिफ इकबाल बौखलाया हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी, उनको ये लग रहा था कि कोई देखने आएगा कि नहीं आएगा, कोई क्या होगा नहीं होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। अगले दिन वो लोग सवेरे सवेरे पहुंच गए अपना 6:30-7 बजे ग्राउंड के ऊपर, और वहां पे देखा कि बहुत सारी गाड़ियों के लाइन लगी हुई थी और बहुत सारे लोग मैच को देखने के लिए आए हुए थे, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि शारजा उस टाइम पर एज सच कोई से क्रिकेट का हब नहीं था। वहां से नींव रखी गई मैच फिक्सिंग की और बैटिंग की, कैसे वो बताता हूँ आपको। हर सी बैटिंग या मैच फिक्सिंग में कोई भी आपको खुल के सीधे नहीं बोलता कि हाँ भाई मैच फिक्सिंग हुई, हाँ भाई फिक्सिंग हुई, हिंट्स होते हैं हर चीज के। जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन की घड़ियां आ गई थी ना नजर में, वैसे ही हार्दिक पांड्या की आ गई, उसी तरीके से हिंट्स मिलते हैं, उसका एक हिंट यहाँ पे मिला। नॉट सो सरप्राइजिंगली जावेद मियादाद की टीम जीत गई, और एक फॉर्मल डिनर जो उस दिन शाम को हुआ वहां पे सब कुछ चेंज होना शुरू हुआ है क्रिकेट के अंदर। अब्दुल रहमान बुखातिर जो शारजा क्रिकेट का, क्रिकेट से जो लोग फेमिलियर हैं, कैरी पैकर एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंड बंदा बोल सकते हैं जिसने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट करवाई थी, उसी तरीके से अब्दुल बुखातिर था शारजा के लिए। अब्दुल बुखातिर ने एक 50,000 का चेक दिया मोहम्मद हनीफ को, मोहम्मद हनीफ जिसका बेनिफिट मैच था, उसको 50,000 का एक चेक दिया यूएस डॉलर का, और उसने एक $20,000 का और चेक दिया किसको? माधव मंत्री कौन? सुनील गावस्कर का चचा, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। नाउ किस लिए? माधव मंत्री को $20,000 का चेक किस लिए? $20,000 उस टाइम के डेट में बहुत ज्यादा पैसे होते थे, आज भी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, बट उस टाइम के डेट में बहुत ज्यादा पैसे होते थे। अब सुनील गावस्कर के अंकल को किस चीज के लिए $20,000 दिए गए, उसका रिलेशन आप निकाल लो, या तो उनकी फैमिली बता सकती है या आपकी सद बुद्धि बता सकती है कि वहां पे क्या हुआ होगा और किस तरीके से माहौल के साथ खिलवाड़ किया गया होगा। वहां से शुरू होता है शारजा के क्रिकेट की जर्नी, जहां पे या तो पाकिस्तान या इंडिया या फिर दोनों के दोनों हमेशा हर साल कोई ना कोई सीरीज वहां पे खेलते रहते थे, गिवन द कंट्रीज वास्ट एक्सपैट पॉपुलेशन, वहां पे जो फॉरेनर्स इंडिया पाकिस्तान के जितने लोग थे उनको एंटरटेन करने के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम फ्यू मैचेस,
चाहे वो सचिन तेंदुलकर का डेजर्ट डेजर्ट स्टॉर्म में जो उसने 1998 में जो सेंचुरी मारा था, शारजा के पास 80s और 90s में भारतीय टीम के लिए एज सच कोई ज्यादा अच्छे मोमेंट्स नहीं रहे। अगर डेटा वाइज अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो उस टाइम पे हिंदुस्तान 35 मैचेस जीता था और 37 हारा था, यानी 35 वर वन, 37 वर लॉस्ट। एंड दिस इज वेयर दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस एंड गॉट ह्यूमिलिएटेड मोस्टली बाय नो अदर देन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया टीवी काट रहा। अब ये देखो, चाहे मियादाद का लास्ट बॉल का छक्का हो 1986 पे या आकिब जावेद की हैट्रिक हो रिकॉर्ड ब्रेकिंग से पहले 1991, हर तरीके से भारतीय टीम जब भी शारजा जाती थी उस टाइम पे भारतीय टीम बेइज्जती करवा के ह्यूमिलेट करके आती थी। मतलब बुखातरी जो था उसका एक विजन था शारजा के लिए, जहां पे ग्लैमर जैसे आईपीएल आज है ना, उसी तरीके से आईपीएल टाइप का आइडियोलॉजी उसका था, ग्लैमर ग्लिट्स इन द गेम, दैट इज व्हाट ही वाज एम। Now, Bukhatir ka us time pe kehna tha ki I used to get phone calls from celebrities asking if they could come and sit in the audience from India and Pakistan so that they could be there and experience the match. Lekin, interestingly, celebrities of Bollywood, Pakistan ki to hum baat nahi karte, celebrities of Bollywood is not the only thing or were not the only one who wanted to sit in the Sharjah Stadium. Unme ek bahut khatarnak insaan ka naam tha, jiska naam India's most wanted terrorist, Dawood Ibrahim. दाऊद इब्राहिम ने भी शारजा में अपने पांव फैलाने शुरू किए। अब वो फैलाना शुरू किया, उसके बाद आपको थोड़ा कट टू कट आपको मोहम्मद अजहरुद्दीन चीजों की वाली चीजों के बारे में पता है, उसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ सीधा एक बारी 2000 में, 1981 में जो ये मैच हुआ, फिर लेट 80s और अर्ली 90s में शारजा वगैरह के मैचेस होने शुरू हुए। वी स्ट्रेट अप would like to shoot to 2000. पहली बारी भाई liked as locked in. Thank you KB. अगर भाई वीडियो को लाइक नहीं ठोका अभी तक तो लाइक ठोक दो, that is the least that you can do for the channel. और अगर पहली बारी जुड़े हो, पहली बारी देख रहे हो वीडियो खत्म होने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। Now, 2000 में जब दिल्ली पुलिस ने ये रिवील किया अपने इन्वेस्टिगेशन में कि मैच फिक्सिंग होती है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्विंग नन अदर देन इंडियन क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड साउथ अफ्रीका का कैप्टन हैंसी क्रोनिए, नो वन वांटेड टू बिलीव दैट, बट फ्रेंकली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ पीपल न्यू इट ऑलरेडी कि समथिंग लाइक दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट। पीपल ऑलरेडी हैड दिस नोशन कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है और ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं था। इंसिडेंटली जब ये न्यूज आया उस टाइम पे क्रोनिए अपना लास्ट एवर मैच खेल रहा था, कहाँ पे? शारजा में। अप्रैल 2001 में एक हफ्ते पहले इंडिया शारजा जाने वाला था। अब टाइम फ्रेम्स नोटिस करना किस तरीके की बातें करी गई है 2001 में, a week before India were to fly to Sharjah, एक tri-nation series होने वाला था involving Pakistan and Sri Lanka, Indian government ने उस time पे cricket team को pull out कर लिया और बोला कि वो Sharjah नहीं जा सकते किसी भी non-regular venues के ऊपर for at least 3 years, जिसमें Canada का भी नाम था। अगर आपको याद हो Toronto Cup नाम का एक series होता था yearly India और Pakistan के बीच में, उसको भी खत्म किया गया और India को बोला गया अगले 3 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते। 2001, 2002, 2003, जिसके अंदर एनडीए की सरकार थी, तो 2001 में उस सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हमारे लास्ट ईयर होने तक ये टीम किसी भी नॉन रेगुलर जगह पे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएगी। उसके बाद यूपीए आ गया, अगले 10 साल तक यूपीए चला और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो इंडियन टीम यूएई जाती है, शारजा नहीं जाती है खेलने के लिए। दैट पॉइंट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड नेशनलिस्ट लोगों, उस छोटी छोटी चीजों को पढ़ना सीखो कि किस तरीके से सरकारें किस तरीके से डिसीजन लेती हैं। नाउ अगर 3 साल का पुल आउट हुआ तो समझ लो उसका रीजन क्या हो सकता है कि उस टाइम पे जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन कभी नहीं उठा सकता, उन्होंने 3 साल का एक इक्वेशन लिया, रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी जहां से हमने शुरू किया था बॉलीवुड के कनेक्शन के बारे में। पुराने दिनों में स्पेशली जब ये मैच फिक्सिंग वगैरह की बातें शुरू हुई उस टाइम पे, ये बहुत बेसिक बहुत अंडरस्टूड सा न्यूज था ये कि आईएसआई एक जो एक वेल नोन फुद्दू एजेंसी है पाकिस्तान से, फुद्दू इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि देखो मेरी देश की एजेंसी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं दूसरी देश की तो खुद ही बोलूंगा ना। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट इन द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट साउथ एशिया और गल्फ में आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर एंड यूजिंग डिफरेंट रेवेन्यूज टू बेसिकली मीट द डिमांड्स, जो उनकी पाकिस्तानी आर्मी जो है जिनके पास पैसा वैसा है नहीं, पैसा
आर्मी के पास ही सारा पैसा जाता है, सरकार के पास कुछ जाता नहीं है। तो उन सारी चीजों को भरपाई करने के लिए आईएसआई करता है ड्रग्स का और टेररिज्म का स्पॉन्सरशिप। नाउ बॉलीवुड का और क्रिकेट स्टार्स का, क्रिकेट बुकीज का, इन सबका एक एक क्या कहते हैं, मकड़े का जाल जिसको कहते हैं ना, एक मकड़े का जाल है जो इस तरीके से है, जो इस तरीके से फैला हुआ है, जहां पे ये सारे इंटरट्वाइंड हैं एक दूसरे से। इसमें मैं नाम लेना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान का, आईपीएल और क्रिकेट को जोड़ते हैं थोड़ा सा, सूरज सिंह नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर सूरज सिंह? एक बार मुझे बताना, सूरज सिंह का नाम आप लोगों में से किस किस को याद है? सूरज सिंह का नाम बता दो, सूरज सिंह का नाम बता दो। देखें जरा एसएसआर की इसको कितना फॉलो करते हो। सूरज सिंह का नाम बताओ किस किस को याद है? वाज लास्ट सीजन आई सो आफ्टर दैट बैक बैक मनी के फाइनेंस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो, सुषमा जी को याद है, महाश्वेता दी को याद है, और किसको याद है? प्रोड्यूसर एग्जैक्टली नहीं, भाटिया, धीरज अग्रवाल जी, यस। नाउ सूरज सिंह जो कि डायरेक्टर भी बना, जो कि डायरेक्टर भी बना और बोर्ड ऑफ धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ऑन बोर्ड फॉर धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे भी उसका रोल रहा है। ये एक छोटा सा लिंक दिखाता है आपको बॉलीवुड और क्रिकेट का। नाउ बॉलीवुड क्रिकेट एंड अंडरवर्ल्ड, बिकॉज अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन रहा है मैच फिक्सिंग और मैच स्पॉट फिक्सिंग के अंदर, बेटिंग के अंदर। तो वो चीजों को, तीनों चीजों को आप अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप पीछे का कुछ, जो पिछले 10-15-20 साल का अगर आप देखो, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है, 60-70 साल पीछे जाने की जरूरत है, पिछले 20-30 साल का देखो, कुछ ऐसी कंपनीज आई जिनका एस्टैब्लिश, जिनका सीधा सीधा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है बॉलीवुड के क्रिकेटिंग नेटवर्क के अंदर। नाउ आई एम रिविजिटिंग एसएसआर केस का कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज दैट इज हाउ यू एंड मी टॉक टू ईच अदर, दैट इज हाउ यू नो मी, दैट आई एग्जिस्ट एंड दैट इज हाउ आई नो यू गाइस। एस्टैब्लिश करेंगे ये कंपनियां जिनको ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी, जो टैलेंट प्रमोशन कंपनीज है, इनको एस्टैब्लिश किया गया पैसे का हेर फेर करने के लिए, पैसे का हेर फेर। जैसे जैसे मैंने आपको पीछे एक वीडियो में रिया चक्रवर्ती की किस तरीके से ग्वान के थ्रू पेमेंट्स आती थी, इवन दो वी हैव नेवर सीन रिया चक्रवर्ती एक्टिवली फेमस इन एनी एड और एनी प्रमोशंस और एनी क्या कहते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। ग्वान, दैट इज द रीजन व्हाई ग्वान बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। जहां पे सलमान खान, जहां पे रणवीर, दे हैव बिकम को ओनर्स ऑफ कॉन, जहां जो पिछले कुछ सालों के अंदर। नाउ वी डू नॉट नो कि किस लेवल पे सलमान खान का और किस लेवल पे रणवीर का स्टेक है इस कंपनी के अंदर। डू दे डिक्टेट द टर्म? आर दे साइलेंट पार्टनर्स? आर दे एग्रेसिव पार्टनर्स? आर दे द रिगिंग पार्टनर्स? ये हम लोगों को अच्छे से पता नहीं है, बट ये हम लोगों को जरूर पता है कि द रेवल्यूशंस, the revelations that have happened in the name of Quan are extraordinary। और ये बड़ा विचित्र विडंबना है जीवन की कि अभी तक क्वान को उतना इंटेरोगेट क्यों नहीं किया गया है एजेंसीज के द्वारा आफ्टर द इनिशियल आउटबर्स्ट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मर्डर। नाउ सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में रिया चक्रवर्ती का नाम है, क्वान का नाम आया, वहां के मैनेजर्स का नाम आया, वहां के लोगों का नाम आया, करण जौहर तक चीजें गई, सलमान खान तक चीजें गई, रणवीर तक चीजें गई, लेकिन नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट। रीजन व्हाई? नाउ वी नीड टू आस्क द क्वेश्चंस व्हेदर ड्रग ट्रैफिकिंग इज गेटिंग कॉर्पोरेटाइज्ड, व्हिच इट सीम्स लाइक, क्योंकि अचानक से अब सड़क पे बैठ के कोई स्मैकिया नहीं दिखता आपको, बट पार्टीज के अंदर महंगे सूट पहन के लोग ड्रग्स मारते हैं। उसी के अंदर नाम आ जाता है एक बंदा जिसका नाम है नचनिया। नचनिया जो भांड है हमारा, जो नाश्ता रहता है, बड़ा बड़ा चश्मा लगा के, ऐसा लग रहा है खाने को मिला ही नहीं है कितने सालों से। उस बंदे के सूट के ऊपर, अगर आपको रिसेंटली ध्यान दिया हो, उस बंदे के सूट के ऊपर एक ऐसा इंसेग्निया मिला है विच रिजेंबल्स टू आईएसआई का लोगो टू अ लार्ज एक्सटेंट। नाउ आई डोंट नो वेदर दैट्स इंटेंशनल, आई डोंट नो वेदर इट्स जस्ट इंस्पिरेशन, बट इंस्पिरेशन आप वहीं से लेते हो जहां पे आपका इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट लिया आपने, इंटरेस्ट लिया आपने आईएसआई के लोगों में, और वहां पे आपने एक सूट बना दिया, एक जैकेट बना दिया, विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेल्स यू कि श्रद्धा भावना कहाँ बैठती है इन लोगों की। उसी कॉर्पोरेशन, ड्रग्स कॉर्पोरेशन के अंदर एक कंपनी का नाम और है जिसका नाम है कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन वो कंपनी जिसका वन ऑफ द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स बंटी शर्ज़, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं करना चाहता,
उसकी बहन सीमा सदर जो कि मैरिड है सुहेल खान से, और उसके क्लाइंटल इंक्लूड करते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम। जितने लोगों को याद नहीं है फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट का है, कि ऋतिका सजदे इज मैरिड टू हमारा जो अब नया T20 का कप्तान है रोहित शर्मा। अब कहने को ना आप ये कह रहे हैं ना मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों का कोई रोल है किसी चीज में, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरीके से पांव पसारे गए हैं, किस तरीके से पांव पसारे गए हैं चारों तरफ, और किस तरीके से जो पहले 1981 में जिस तरीके से बुखातिर ने शुरुआत करी थी, 1993 में जिस तरीके से दुबई में शिफ्ट किया था अपना बेस दाऊद इब्राहिम ने, उस तरीके से किस तरीके से अब कॉर्पोरेट्स को यूज किया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ लेट्स गेट ऑन विद व्हाट ब्रॉट क्रिकेट अंडर फोकस इन रिलेशन टू अंडरवर्ल्ड, कि क्रिकेट का फोकस कैसे आया अंडरवर्ल्ड में। उसके लिए आपको फिर से 2001 से लेके मैं आपको अभी तक लेके आ गया, अब आपको फिर से जाना पड़ेगा 90s के अंदर। 90s के अंदर इंडियन क्रिकेट वाज कंप्लीटली इन्वॉल्वड इन मैच फिक्सिंग स्कैंडल। कोई अगर ये बोले, कोई भी क्रिकेट का चहेता अगर यहाँ पे बैठ के ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, आई डू नॉट अग्री विथ यू। 90s के अंदर क्रिकेट के अंदर रैम्पेंट था मैच फिक्सिंग, एंड वन ऑफ द प्लेयर जिसका मैंने थोड़ी देर पहले भी नाम लिया वॉज अ टाइफून in Indian cricket, Mohammad Azharuddin. He was one of those new stylish players of India जो अपने कॉलर को ऊपर रख के खेलता था, महंगी महंगी घड़ी पहनता था, फिल्म स्टार्स को डेट करता था, और एक लैविश लाइफस्टाइल ऐसी जीता था जो एक चेंज था नॉर्मल सोसाइटी के लिए। जो नॉर्मल सोसाइटी यूज टू थी कि क्रिकेटर्स आर डोसाइल पीपल जो उतना ज़्यादा एज सच ग्लैमरस नहीं होते हैं, बट अजहरुद्दीन ने आके सब कुछ चेंज कर दिया, और उसी के साथ आ गया एक और प्लेयर जिसका नाम है अजय जडेजा। Now, instead of getting a proper swan song, जो हैदराबाद क्रिकेटर of his stature, of अजहरुद्दीन, जिसने 99 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के लिए, उसके ऊपर एक लाइफ टाइम बैन लगता है 2000 में BCCI के द्वारा। BCCI ने इम्पोज किया लाइफ टाइम बैन, जो कि अब रिसेंटली हटा दिया गया है, और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद अजहरुद्दीन। अभी बीच में इलेक्शन में भी कोई MP भी बन गए थे मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, तो एक बार कंफर्म कर देना चैट रूम में। नाउ जडेजा और अजहरुद्दीन दोनों बंदे पकड़े जाते हैं मैच फिक्सिंग में, जिनका रिलेशन रहा है बॉलीवुड के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बैन लगता है, अपील होती है, बैन हटता है, क्यों और बैन कब हटता है उस टाइमिंग को भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका का जो हेंसी क्रोनी था उसने मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम लिया था, और ये बोला था कि अजहरुद्दीन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था टू द वर्ल्ड ऑफ स्पॉट फिक्सिंग। उसके बाद से मोहम्मद अजहरुद्दीन CBI के मंदिर का रेगुलर भक्त बन गया था, रोज जाकर उसको वहां पे दुआ सलाम करनी पड़ती थी। एंड फाइनली आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ क्वेश्चनिंग और उसके जो शेडी कनेक्शन थे बुकीज के साथ, उसके बाद उसके ऊपर बैन लगा था। जेल नहीं गया वो अलग बात है, मुझे ये नहीं पता, कोई अगर चैट रूम में जया जी हैं मेरे ख्याल में, कोई अगर जया जी कैन यू टेल मी इफ मैच फिक्सिंग इज क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज इट, क्योंकि क्या नाम उसका, श्रीशांत को तो जेल हुई थी स्पॉट फिक्सिंग के लिए, तो मैच फिक्सिंग इज इट अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसके अंदर आपको जेल हो सकती है, और अगर हो सकती है तो अजहरुद्दीन को जेल क्यों नहीं हुई, दैट इज माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अजय जडेजा को जेल क्यों नहीं हुई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अजय शर्मा को जेल क्यों नहीं हुई, और बहुत सारे क्रिकेटर जिनका नाम आया स्पॉट फिक्सिंग में उनके ऊपर बैन लगता है, सिवाय सलमान बट के किसी ने ज्यादा जेल में टाइम नहीं बिताया, मोहम्मद आमिर को भी ज्यादा जेल में टाइम नहीं बिताना पड़ा, बट इन लोगों को जेल क्यों नहीं हुई, दैट इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड बाय द इंडियन एजेंसीज, सॉरी इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। और इंडियन जुडिशियरी सिस्टम के लिए भी क्वेश्चन उठा रहा, तो आज किसी ने आज बोला कि तुम सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, तुमको कुछ नहीं पता। भाई मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मेरा हक बनता है, सुप्रीम कोर्ट कोई दूध का धुला नहीं है, आपका देश यानी ये भारत देश दूध का धुला हुआ नहीं है भाई, सिर्फ ये बोलने से कि मेरा भारत महान से महान नहीं होगा, लूपहोल्स को मानना पड़ेगा, उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन मेक श्योर कि आपकी चीजें लाइफ में अच्छी हो रही हैं और आपका देश बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। अजहर समर्स के लिए नेवर एक्सेल आफ्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, माया जी वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट यस ही डिड डाई इन अ रोड एक्सीडेंट। क्रिमिनल ऑफेंस जो है, लेकिन पैसा फेक तमाशा देख हो जाता है भाई, शैडो कह रहा है। तो
किसने बचाया इन लोगों को जेल से? जिस तरीके से विजय राज ड्रग्स के साथ दुबई में पकड़ा गया और उसको जेल नहीं हुई, इन लोगों ने जिन्होंने मैच फिक्सिंग करी उनको जेल से किसने बचाया? दैट इज अनदर क्वेश्चन. मोर ओवर सम पीपल से कि टर्निंग पॉइंट अजरुद्दीन के केस में आया जब उसके प्राइवेट फोटोज आने शुरू हुए. इट कंटेन्ड फोटोज ऑफ हिम विद अंडरवर्ल्ड किंगपिंस. देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स कि he had connections with one of the convicts of the 1993 Mumbai bomb blast. अब ये देखो, हम सिर्फ connections की बात करें, match fixing की बात करें, या हम देशद्रोह की बात करें, ये मेरे समझ में नहीं आता. And if at all उसकी photos थी या connections थे 1993 Mumbai bomb blast के लोगों के साथ, again the question arises कि उसको बाहर क्यों छोड़ा गया? As usual, lack of evidence. As usual, the case never gets solved, and all the impending charges against him were dropped in 2012. उस टाइम पे सरकार किसकी थी? सेंटर में सरकार किसकी थी 2012 में? फिर से बता दो एक बारी. 2012 में सरकार किसकी थी एक बारी फिर से बता दो. तुमको भी पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाए कि किसकी सरकार थी. Famous badminton stars life. तो बताओ भाई किसकी सरकार थी? कांग्रेस. एग्जैक्टली, कांग्रेस की सरकार थी. और कांग्रेस ने 2012 के अंदर मोहम्मद अजरुद्दीन के ऊपर से सारे एलिगेशंस खत्म कर दिए और मोहम्मद अजरुद्दीन हो गया फिदा. किसके ऊपर फिदा? क्योंकि जीवन की विडंबना ऐसी है कि क्रिकेटर्स चाहे अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ भी कर लें, बॉलीवुड वाले अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ भी कर लें, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स जस्ट अ फोटो. लेकिन अगर आप किसी छपरी के साथ, अगर आपकी एक फोटो दिख जाएगी, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी, अगर अच्छे, लेट्स सपोज अगर आप किसी के साथ भी दिख जाते हो, गर्लफ्रेंड तो चलो रॉन्ग एग्जाम्पल है, किसी के साथ दिख जाते हो, आपकी बेइज्जती करनी दुनिया शुरू कर देगी. लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के साथ इन लोगों की फोटो, बड़े बड़े लोग, आई थिंक बड़े बड़े देश जो भी लोगों के साथ इनकी फोटोज होती हैं, पर इनके ऊपर से यूपीए सरकार के टाइम पे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं. क्यों? अजय सेकंड वाइफ संगीता बिजानी फॉर्मर गर्लफ्रेंड ऑफ सलमान, ड्रग्स एंड एनिमल कनेक्शन. बिल्कुल माया जी, बिल्कुल. नाउ बेटिंग हमेशा से एक फुल फ्लेज्ड एक्टिविटी रही है हमारे देश में. द कच्ची एंड मारवाड़ी कम्युनिटीज इन बॉम्बे. इंटरेस्टिंगली सिर्फ बॉम्बे का ही सबसे ज्यादा नाम आता है. क्यों आता है वो भी रीजन बताऊंगा. कच्ची और कच्ची बोलते हैं ना, कच्ची. हाँ, तो कच्ची कास्ट एंड मारवाड़ी कम्युनिटीज इन मुंबई एंड द सिंधीज एंड द पंजाबी कम्युनिटीज इन दिल्ली आर द वंस हु यूज्ड टू प्ले प्रीडोमिनेंटली, जिनका क्रिकेट बैटिंग के अंदर हाथ रहता था. कंसिडरिंग जो बड़ा बड़ा अमाउंट होता था, विच इन्वॉल्व द अंडरवर्ल्ड, विच वुड नेवर वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी, Underworld decided to get into betting. क्योंकि match fixing थोड़ा सा मुश्किल होने लगा, तो betting करनी पड़ी. अब betting as such काफी देशों में legal है, India में अभी भी illegal है. And surprise, surprise, who's asking for betting to be legalized in India? UPA सरकार के टाइम पे ये बात होनी शुरू हुई थी, क्योंकि उसी टाइम पे IPL में 2013 के अंदर, 12-13 के अंदर, जब राजस्थान रॉयल्स और दूसरी एक टीम, कौन सी थी दूसरी टीम का नाम बताना यार मुझे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ betting. Now, underworld का आज की डेट में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रोल है. उसके अंदर सिर्फ दाऊद इब्राहिम नहीं था, तो उसके अंदर छोटा राजन भी इन्वॉल्व था, उसके अंदर उनके और सिंडिकेट्स भी इन्वॉल्व थे. नाउ दाऊद का जो ऑपरेशन था वो उस चलता था ज्यादा एक सुनील अभिचंदानी नाम के इंसान के थ्रू, और उसको जाना जाता था पूरे मार्केट में सुनील दुबई के नाम से भी, क्योंकि वो ऑपरेट करता था चेन्नई सुपर किंग्स से पुणे, उषा किरण क्या था पुणे, तो राजस्थान रॉयल्स एंड पुणे वाली टीम, तो सुनील दुबई के नाम से वो जाना जाता था क्योंकि वो दुबई से ऑपरेट करता था. और एक और बंदा था जिसका नाम था देवेंद्र कोठारी, जिसका निक नेम था जूनियर कोलकाता. नाउ दाऊद हिमसेल्फ बैटिंग रैकेट्स को बहुत रेयरली डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था, बट उसका पैसा लगता था. उसका जो ब्रदर, उसके जो अनीस था और जो दूसरे लोग थे, वो हैंडल करते थे इन सारी चीजों के अंदर. लेकिन अगर उसको कोई इश्यू होता था तो वो बात करता था अपने राइट हैंड मैन से, जिसका नाम था छोटा शकील, जो बाकी चीजों को सॉल्व आउट करवाता था, मानवली करवाता था बॉलीवुड क्रिकेटर्स और मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सर्स के बीच के अंदर. नाउ जो न्यूज मीडिया में है उसके हिसाब से छोटा राजन का एक खुद का एक इंसान, खुद का एक बंदा था जिसका नाम था विनोद चेंबूर. विनोद चेंबूर इसलिए क्योंकि वो चेंबूर में रहता था, जो बैटिंग रैकेट संभालता था छोटा राजन के लिए. विनोद चेंबूर इज ऑल्सो एन अक्यूज्ड इन द जे डे मर्डर केस.
मर्डर का भी केस है उस मैच फिक्सर और स्पॉट फिक्सर के ऊपर. तो द फाइट्स बिटवीन दीज टू गैंगस्टर्स ये बेटी गरीना में भी चालू रही. दाऊद का, छोटा राजन का, दूसरे गैंगस्टर्स लोगों का जो भी छोटे मोटे लोग थे इनका भी चालू रहा. और 2010 में मोहम्मद अली जान अहमद शेख, 27 साल का एक लड़का मोहम्मद अली जान अहमद शेख, नोन मोर एज छोटे मियाँ, को गोली मार दी गई थी बाय छोटा राजन का गैंग मेंबर्स. अब छोटे मियाँ जो थे ही यूज टू हैंडल दाऊद का ऑपरेशन इन मुंबई. तो उसको 27 साल के लड़के को राजन की गैंग वालों ने मार दिया अपना सुपरमेसी बिठाने के लिए, क्योंकि उनके जो कनेक्शन थे एक्सक्लूसिव बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के साथ वो उनको हैम्पर नहीं करना चाहते थे. एंड दे वांटेड टू वर्क और डोमिनेट दैट पर्टिकुलर व्हाट यू सी दिस पर्टिकुलर डोमेन ऑन देयर ओन. और सुनील जो था ही वाज आल्सो नोन टू हैव सरप्राइज सरप्राइज और नॉट सो सरप्राइज. सुनील जो है उसके इंटरेस्टिंग कनेक्शन थे मुंबई के पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ. इनफैक्ट जितने भी बड़े बुकीज थे वो हफ्ता देते थे सारे के सारे मुंबई के बड़े बड़े पुलिस वालों को, चाहे वो कमिश्नर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, चाहे एक ठुल्ला हो, चाहे एक मामू हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो कोई से भी लेवल का हो, उन सारे पुलिस वालों को हफ्ता दिया जाता था. और जो अमाउंट ऑफ मनी जाता था वो इट यूज टू गो अप फॉर पुलिस ऑफिशियल्स होल्डिंग सीनियर पोजिशंस, ऐसा मीडिया में काफी बारी रिपोर्ट्स आई हुई है. नाउ अभी तक की स्टोरी अगर सही लग रही है भाई, तो अगेन पहली बार चैनल से जुड़े हो तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को शेयर करना मत भूलना भाई, क्योंकि दैट इज द लीस्ट यू कैन डू टू सपोर्ट द चैनल. नाउ कुछ साल पहले जैसे 10-15 साल पहले एक मुंबई के डिप्यूटी कमिश्नर हुआ करते थे, उनको पकड़ा गया था एक रेड के दौरान पे, जहां पे ही वाज सिटिंग विद द बुकीज व्हाइल मेकिंग एंड टेकिंग बेट्स. अब वो किसके लिया किसके बिहाफ पे बेट्स ले रहे थे ये नहीं पता, बट उनका कनेक्शन था क्रिकेटर्स के साथ, उनका कनेक्शन था बॉलीवुड के लोगों के साथ. हाउएवर एट दैट टाइम द पर्सन हु वाज एट द प्रोफाइल ऑफ द डीसीपी वाज नॉट बुक्ड, कोई एफआईआर नहीं किया गया, सिर्फ डायरी के अंदर एक एंट्री करी गई और केस हो गया खुश. अब इमेजिन करो उस टाइम पे सरकार किसकी थी. महाराष्ट्र में उस टाइम पे सरकार किसकी थी? महाराष्ट्र में उस टाइम सरकार थी एनसीपी की. नाउ इन सब चीजों के बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट है विच विल प्रूव टू यू कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम का क्रिकेटर्स के साथ और क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ इतनी साठगांठ है कि वो सीधे ही डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है. इंसिडेंट एक छोटा सा आपको सुनाता हूँ 1987 का. 1987 में इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में, अब इस कहानी के दो वर्जन हैं, एक है कपिल देव का और एक है दिलीप वेंगसरकर का, अलग अलग स्टोरीज हैं. जहां पे कपिल देव ने ये बोला कि आई रिमेम्बर अ जेंटलमैन वॉकिंग इन टू आवर ड्रेसिंग रूम आफ्टर अ गेम इन शारजा एंड वॉन्टिंग टू टॉक टू द प्लेयर्स ना. कपिल देव ने अपेरेंटली उसको बोला कि ड्रेसिंग रूम से बाहर चले जाने के लिए, क्योंकि आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं होता है ड्रेसिंग रूम में आना. उसने उनकी बात सुनी. इंटरेस्टिंग चीज देखो, 1993 बाद में बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन जो गुंडा है, एक गुंडा है क्रिकेट कप्तान की बात को सुन के चुपचाप से बाहर निकल जाता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, बाहर निकल जाता है विदाउट सेइंग एनीथिंग. लेटर ऑन समवन इन्फॉर्म्ड कपिल देव कि भैया आपने जिनसे बात करी है वो भी बहुत बड़े स्मगलर हैं, बॉम्बे से हैं और उनका नाम है दाऊद इब्राहिम. बियॉन्ड दैट नथिंग हैपेंड, दैट्स व्हाट कपिल देव सेड, बट दैट्स व्हाट शी सेड. हूएवर नोज द मीनिंग ऑफ दैट्स व्हाट शी सेड, यू नो दैट्स व्हाट शी सेड. नाउ कपिल देव सेड कि दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, बट दिलीप वेंगसरकर ने ये स्टोरी बताई कि स्मगलर दाऊद इब्राहिम ने ये बोला था कि अगर आप मैच को जीत जाते हो तो मैं आप सबको एक एक टोयोटा गाड़ी गिफ्ट में दूंगा. हालांकि कपिल देव ने ये बोला कि मेरा कोई नॉलेज में ऐसा कोई इंसिडेंट है नहीं, बट अगर कपिल दिलीप कह रहा है तो ही नोज मोर देन मी. द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज टू टेल यू कि किस तरीके से दरवाजे खुले रहे हैं हमेशा से क्रिकेटर्स के, अंडरवर्ल्ड के लोगों का उनके ड्रेसिंग रूम में जाना, उनको उनके उनसे बात करना, उनसे डायरेक्टली अप्रोच करना. इफ यू विन द टूर्नामेंट आई विल गिव यू अ कार, इफ यू विन द टूर्नामेंट आई विल गिव यू अ कार. अब जो हमारे बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, फॉर्मर बीसीसीआई सेक्रेटरी जयवंत लेले, उन्होंने भी अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है कि ऐसा कुछ हुआ है. क्या किया बीसीसीआई ने उस इंसिडेंट के बाद, क्या किया भारत सरकार उस इंसिडेंट के बाद? डिड दे आस्क कपिल देव टू कम एंड
हैव अ डिस्कशन विद देम, हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर. डिड दे आस्क दिलीप वेंगसरकर कि आओ हमको बताओ कि एक्चुअली में क्या हुआ था. Any further action of a smuggler walking into the dressing room of Indian cricket team never happened. सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया. सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, क्योंकि बीजेपी की तो औकात नहीं थी सेंटर में आने की. बीजेपी तो पहली बार 99 में आया, 98 में. सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, जहां पे एक स्मगलर भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर घुस जाता है. अब इंटरेस्टिंग चीज उसके आगे क्या होता है? उसके आगे होता है एक, लेट मी ट्राई एंड शेयर माई स्क्रीन. एक ना कोशिश करता हूँ भाई, आई जस्ट होप मेरा सिस्टम फ्रीज ना हो, बट मन है दिखाने का तो दिखा देते हैं भाई. लेट मी शो यू. सोनम कपूर एडमिट्स क्रिकेट बीइंग द रीजन व्हाई हर फादर इज कनेक्टेड टू दाऊद इब्राहिम. ठीक है, इसको थोड़ा नीचे अगर जाएं, द ट्विटरारटी रिप्लाई टू सोनम. अरे द ट्विटरारटी रिप्लाई कहाँ गया, कहाँ गया, तो बेसिकली यहाँ पे एक टसल चल रहा था सोनम कपूर और एक वरी से. मैं यार स्क्रीन को बंद करता हूँ बिकॉज आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो रहा है. एक टसल चल रहा था ऑनलाइन जहाँ पे किसी ने अनिल कपूर की दाऊद इब्राहिम वाली फोटो के साथ सोनम कपूर को टॉन्ट मारा कि तुम्हारा बाप तो देखो किस देशद्रोही के साथ घूमता है. तो उसने बोला क्रिकेट इज द रीजन माई फादर नोज दाऊद इब्राहिम. अरे तो क्रिकेट इज द रीजन, तेरा बाप क्रिकेटर नहीं, तेरा बाप एक छोटा छोटा सा, चलो जो भी जिस लेवल पे अच्छा एक्टर है, पूरा एक्टर जो भी है वो अपनी अपनी चॉइस है, बट तेरा बाप एक एक्टर, उसका क्रिकेटर से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं. ना तुम्हारा बेट भाई क्रिकेट खेलता, ना तुम्हारा दादा क्रिकेट खेलता. किस तरीके से क्रिकेट के थ्रू दाऊद इब्राहिम के साथ तुम लोगों की दोस्ती हुई? That is the question that I want to ask, and that's a very legit question. मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता. ना इन सब चीजों के बीच में हल्ला बोल कैसे हो रहा था स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में 1998-1999 के अंदर, और किस तरीके से दाऊद अपनी पैंट पहुंचा रहा था, किस तरीके से हिंदी में बोलते हैं ना तूती बोलती है जैसे, उस तरीके से दाऊद की तूती बोलती थी मैच फिक्सिंग के अंदर. 1999 में एक इंसिडेंट होता है जहां पे पांच जने बॉम्बे से एक प्लेन से जा रहे होते थे दुबई. अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए उड़ते 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 दुबई जा रहे थे भाई से मिलने के लिए. नाउ उनकी थी हालत खराब, पतलून हो रखी थी, गीली पतलून इसलिए हो रखी थी क्योंकि उनको मांगनी थी माफी अपने बहुत बड़े नेता से, चचा से, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम. किसने मांगी थी उसका भी रीजन बताता हूँ, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का बड़ा फिरोशियस सा रेपुटेशन है कि अगर कोई उसको क्रॉस करता है या उसके मन मर्जी काम नहीं होता तो वो बड़ा वायलेंट सा हो जाता है. ना जो ये पांच बुक मेकर्स थे बॉम्बे से दुबई जो जा रहे थे, बॉम्बे के बंदे थे, पांच जो बुक मेकर्स थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया दाऊद को कि भाई आप जो पैसा लगा रहे हो मैच फिक्सिंग में उसका क्या, उसमें क्या इशू आ रहा है बेसिकली. तो हुआ क्या था, ही हैड बीन आउटराइट इन हिज अटेम्प्ट to profit from the triangular champion cup tournament in the desert state of Sharjah between India, Pakistan and England. India, Pakistan aur England ke beech mein us time pe ek tournament ho raha tha jiska naam tha Champions Cup tournament, jahan pe Daud ko outbid kar diya gaya tha, out bribe kar diya gaya tha basically in an attempt to profit from the fixing in that tournament. उस टाइम पे उसने, दाऊद इब्राहिम ने पैसा लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान चारों के चारों मैच जीतेगा, बट जो एक दूसरी पार्टी थी उसने पैसा पे किया कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को, और उसके बाद पाकिस्तान ने दो मैचेस जीते और दो मैचेस हारे. नाउ दाऊद और उसके जो एसोसिएट्स थे उनको बहुत मिलियंस ऑफ पाउंड्स का लॉस होने वाला था. दाऊद ने अपने लोगों को ये बोला कैंसिल द बेट्स, दाऊद ने बोला. अब जो इसके बंदे थे उसने उन्होंने उसको ये बोला कि भाई कैंसिल नहीं कर सकते, एक तो पहली बात तो कि रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा हिट आएगा और उसके बाद हम बैंकक्रप्ट चले जाएंगे क्योंकि हमारे को कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा. नाउ दिस वाज 1999 और उस टाइम पे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आने वाला था और एक अपॉर्चुनिटी था एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्न करने का. झगड़े हुए और उसके बाद भी दाऊद ने कोई बात नहीं सुनी, एंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिसाइड अदरवाइज उसने वो पैसा मार्केट से निकाल लिया. डू और डाई वाज द एटीट्यूड, एंड बिफोर एब्रप्टली एंडिंग द मीटिंग ही टोल्ड देम कि अगर नहीं मानोगे तो बी रेडी फॉर अ
consequence. Now, the violence in Daud Ka Gang, known as the D Company, was notorious. We have always known that. 1993 ka bomb blast is a prime example of it. Now, hours later, thousands of bets were suddenly cancelled. Ye tha Rukhba Daud Ibrahim ka, jiske saath Sonam Kapoor ka baap dekha gaya hai, jiske saath Mohammad Azharuddin dekha gaya hai, jiske saath all the cricketers dekhe gaye hai. Apparently, jisne direct conversation kiya hai Kapil Dev ke saath, Dilip Vengsarkar ke saath, and Jaywant Lele, former BCCI secretary, was aware of the fact. Now, ye jo incident hua, ye power dikhata hai us bande ka, who runs a racket through poor punters, through slum areas and through those gambling associations jahan pe chote chote areas mein jahan pe baith ke chote chote jahan pe betting lete hai na ki chota area jahan pe ab imagine nahi kar sakte yahan pe crore ki deal ho rahi hogi wahan khopche mein ghus ghus ke ye sari deals hoti hai aur yahan pe hota hai Daud ka varchaswa. He is typical of the bookies whose match fixing is scaring cricketers, a sport which is supposedly a team sport, but अगर आप उसको individual तरीके से खेलो तो एक match को बहुत easily manipulate किया जा सकता है. Now India उसको extradite करने की कोशिश कर रहा है, but कब करेगा, क्या नहीं करेगा, पता नहीं भाई, but क्या करें. Now long time back 1987 में जब 44 years of age का था Daud Ibrahim, उस time पे he to escape the attention of the Bombay police after a courtroom shootout left a rival gangster dead, jiska naam maine thodi der pehle aapko bataya. Aur 1987 ka hi wo time hai jahan pe Daud Ibrahim, Kapil Dev aur Dilip Vengsarkar se mila. Did they not know who this gangster is? How did he get access to the dressing room? Despite all that, Dubai mein us time wo free mein rehta tha, free mein travel karta tha, free as in free paisa nahi, matlab tasalli purva ghanta usko fark nahi padta, who gives a damn attitude wala. Lavish parties throw karta tha, high profile log, chahe political connections in Pakistan, chahe political connections in India, tere mohan wala ya chahe jo bhi ho, bade se badi models, badi se badi actresses, they used to go there to perform certain acts. Now I am not going to go into the details of what those acts were, par aapko acche se pata hai कि ये जो एक्ट्रेसेस जब एक्टिंग नहीं कर रही होती तो इनका काम क्या चल रहा होता है पैसे के लिए. क्रूशियली Daud Ibrahim इज आल्सो द पर्सन जो कंट्रोल करता है सारा का सारा नेटवर्क ऑफ बुकीज, और इसके लिंक थे वर्ल्ड के बेस्ट नोन क्रिकेटर्स के साथ, लाइक द साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर व्हिच वी टॉक अबाउट, हेंसी क्रॉनी. नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन इंडिया वाज अ रेगुलर विजिटर टू शारजा. 1987 की जो बात है, इंडिया वाज अ रेगुलर विजिटर टू शारजा, एंड इवन अजरुद्दीन जडेजा, प्रभाकर एंड अदर प्लेयर्स were on good talking terms with him and they had a direct access to him. Kal parso jo video banaya jisme maine aap logon ko Mahesh Manjrekar ke aur Sanjay Dutt ke conversation sunaye chota Shakil ke sath, which proves ki they have access to people like them, but hum fir bhi unko poochte hain aur kabhi question nahi karte ki bhai how do you have access to these people directly. Ek bahut bade journalist hua karte the, I don't know if you guys know the name, but Pradeep Magazine करके एक बहुत बड़े journalist हुआ करते थे, Indian cricket से related sports journalist थे. उन्होंने एक book लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने directly detailing करी थी कि how he was approached by a Delhi bookmaker during India's tour of 1997 and offered pound 60,000 pounds. 60,000 pound उनको offer किए गए थे to introduce him to who? Sachin Tendulkar and Mohammad Azharuddin. सचिन तेंदुलकर तो छोड़ो, उसके ऊपर भी किसी दिन आएंगे, बट मोहम्मद अजहरुद्दीन 1997 की बात है ये, विद अ व्यू टू फिक्स मैचेस. नाउ देयर इज नो सजेशन कि ईदर प्लेयर मेट टू एनी मनी और एनीथिंग, बट इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम पे उनके इस डिटेलिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन हिज बुक बीसीसीआई ने कंप्लीटली आउटराइटली उसको व्हाट डू यू से, what is the word I'm looking for, deny kar diya ki aisa kuch nahi hua. Now let me do one thing, us time unhone usko puri tarike se deny kar diya. Now let me see ki agar koi mujhe ye bata sake ki 1997 mein BCCI president list of presidents, so agar main बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की अगर मैं लिस्ट निकालू प्रेसिडेंट्स की, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट 1997 के टाइम पे आई एस बिंद्रा 93 से 96 तक, राज सिंह डूंगरपुर 96 से 99 तक, ए सी मुथैया 99 से 2008 तक, ये लोग थे उस टाइम पे
बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। तो आप लोग थोड़ा सा सही से आई गेस आपकी अदालत में भी आए थे मनोज कुमार के साथ, यहाँ पर ही आए होंगे, आए होंगे। बट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उस चीज को रफा दफा कर दिया। एक लाहौर का बुकी था जिसका नाम था राजा साहेब, उसका ऑफिस था एक स्नूकर हॉल के ऊपर इन द एरिया ऑफ गुलबर्ग। अपने कंफर्टेबल चेयर में बैठ के, अपने कीमती कार्पेट्स के ऊपर, बड़े बड़े टेलीविजन और बॉटल्स ऑफ ब्लैक लेबल्स एंड ब्लू लेबल्स एंड यू नो जेडी एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे बैठ के वो फिक्सिंग करता था। उस बंदे को एक्सेस था कुछ क्रिकेटर्स का इंडिया के अंदर, और उनके डेस्क के ऊपर डायरेक्ट नंबर होते थे क्रिकेटर्स के। बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एग्जिस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेस्क वाज हिज डायरेक्ट कनेक्शन टू बॉम्बे, his direct connection to Bombay and his direct connection to the father-in-law of a very powerful politician to whom he used to pass on bets jo large hoti thi aur wo khud se handle nahi kar sakta tha. Ab wo father-in-law of a very powerful politician kaun hai, लगा लो हिसाब थोड़ा थोड़ा ठीक से। Now wonder why, wonder it makes me think why Bombay always is the limelight of all anti-national activities, especially with cricketers and movies, drugs, racketeering, human trafficking या कुछ भी बोल लो, इन सब चीजों के अंदर बॉम्बे का हमेशा से हाथ आता है। IPL का जो betting scandal हुआ उसके अंदर सोनू जलाल नाम का जो पकड़ा गया था एक बंदा, उसने अरबाज खान का नाम लिया था regarding betting in IPL, but ever since the questioning and drilling of Arbaaz Khan, क्या हुआ घंटा। आप कोई बोलो Arbaaz Khan मुस्लिम था इसलिए फ्री होके निकल गया, खेल लो मुस्लिम कार्ड। सोर्सेज ने ये भी बोला कि सोनू यूज्ड टू प्लेस बेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ छोटा राजन, एंड इन टर्न उसका जो गैंग मेंबर शूटर्स थे वो लोगों को डराते धमकाते थे अगर कोई बेटिंग का पैसा देने से मना करता था। सोनू जलाल ने उस टाइम पे ये भी बोला था कि पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी Arbaaz Khan के इन्वॉल्वमेंट का, और उसने ये भी बोला कि Arbaaz Khan जो बेट्स लगाता था थ्रू हिम वो काफी रेगुलर था और वो काफी टाइम से था, ऑलमोस्ट 6-7 साल से था। इट वाज आल्सो रिपोर्टेड दैट द बॉलीवुडी दैट दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी व्हिच इज Arbaaz Khan को बहुत सारे लॉस भी हुआ, एंड उसकी फैमिली ऑलरेडी जानती थी कि वो बैटिंग करता है व्हिच इज इलीगल इन इंडिया, बट व्हाट डिड द फैमिली डू, नथिंग। उस टाइम पे थाने पुलिस ने Arbaaz Khan को बुलाया था समन्स देके और क्वेश्चन करने के लिए। अगेन कह रहा हूँ Arbaaz Khan गया, क्वेश्चन हुई, उसके बाद क्या हुआ, घंटा। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट ओनली गॉड नोज, ना मुझे पता ना आपको पता क्या हुआ, पता नहीं। टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें 2016 में दो एशियन टीम्स के बीच में जो ICC अप्रूव्ड टीम्स हैं टॉप 8 टीम्स में से, उनके बीच में से एक मैच था जो कि फिक्स था, जो कि 2016 में हुआ। ऑल्सो जो एंटी एक्सट्रॉशन सेल ऑफ थाने पुलिस है, उन्होंने ये भी बताया कि एक दैट द मैच ऑफ पाकिस्तान लीग हेल्ड इन पाकिस्तान वाज आल्सो फिक्स्ड। अब पाकिस्तान में फिक्सिंग होती है नहीं होती उससे हमको पता नहीं है, बट हमको ये पता है कि वहां जो लोग बैठते हैं उनका कनेक्शन यहाँ के लोगों तक है। अब सोनू ने ये भी बोला कि एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल भी इस स्कैंडल के अंदर शामिल है। अब वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल कौन हो सकता है मुझे पता नहीं है। स्टेटिंग दैट ही हैड क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दिस ऑफिशियल, सोनू ने अपना बेसिकली अपना ताव दिखाने की कोशिश करी कि मैं तुझे पता है मैं किस पुलिस वाले को जानता हूँ उस तरीके से। और उसने एक स्टनिंग क्लेम ये भी किया कि उसका ही हैड कनेक्शन विद अनदर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन besides this police personality. Now Sonu was in touch with these gangster and his gang members, and he was in touch with the Mumbai police official, and he was in touch with certain cricketers from Asia. Chota Rajan ke uske upar bet lagata tha wo, aur usi tarike se unka kaam chalta tha. Now Srishant jab arrest hua tha to Srishant ne ek badi interesting baat boli thi, arrest nahi sorry, jab Srishant ko acquit kiya gaya tha to Srishant ne ye bola tha ki agar main Daud Ibrahim ko janta तो मैं क्रिकेटर नहीं होता, मैं दुबई में घूम रहा होता। दैट शोज यू द मेंटालिटी कि अगर मैं दाऊद इब्राहिम को जानता, नॉन क्लियर नॉन टेररिस्ट अगर मैं उसको जानता तो मैं दुबई में अयाशी कर रहा होता। एक बार भी ये नहीं बोला कि इवन इफ आई वुड हैव नोन हिम आई वुड नेवर बिट्रे माय कंट्री, इवन इफ आई वाज सीन विद हिम जस्ट लाइक अनिल कपूर वाज आई वुड नेवर बिट्रे माय कंट्री। बट व्हाट श्रीशांत सेड वाज अगर मैं उसको जानता तो मैं कौन सा बैकग्राउंड की बात कर रहे हो भाई,
तेजवीर भाई कौन से भगवान की बात कर रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि श्रीशांत ने क्या बोला, श्रीशांत वॉज इन बिग बॉस, अब ये देख लो वो बिग बॉस में था। तेजवीर भाई कौन से बैकग्राउंड की बात कर रहे हो भाई, एक बार बताओगे मुझे? आई एम नॉट श्योर विच बैकग्राउंड आर वी टॉकिंग अबाउट। तो ये देखो कि मेंटेलिटी, मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेटर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, किस लेवल की होती है, कि व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू लीव देयर लाइफ। नाउ टेल मी, इन सब चीजों के बीच में मैं तेजवीर आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ, कीपिंग एन आई ऑन द चैट रूम कि कौन से बैकग्राउंड की बात कर रहे हो आप। नाउ इन सब चीजों के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल कर, वॉल कलर तो सेम ही है ना भाई, चेंज थोड़ी हो गया, चेंज हुआ क्या अचानक से मुझे? चेंज हुआ क्या बताना मुझे? अच्छा वॉल कलर चेंज हुआ क्या बीच में? लेट मी भाई, चलो लेट मी आस्क यू, लाइट लाइट वॉल, पता नहीं यार मुझे तो सेम ही दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है पता नहीं। एनीवेज बैकग्राउंड विद लाइट्स, ऐसा कुछ आया क्या? ये तो चेक करना पड़ेगा, ये तो चेक करना पड़ेगा। कोई हैक कर रहा है क्या मेरे सिस्टम को? कोई हैक कर रहा है क्या मेरे सिस्टम को? आई डोंट नो, कितनी देर पहले हुआ था ये कोई बताएगा मुझे? इस जो आने वाले साला देखो किस तरीके से सक्सेसफुली तेजवीर ने मुझे, मेरे को डाइवर्ट कर दिया फ्रॉम द टॉपिक ब्लूज सिंस आई जॉइन। चलो सेम है, हाँ ठीक है। नाउ इन सब चीजों के बीच में हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया जाता है, क्यों हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके ये बोला जाता है कि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा, फिटनेस का इशू है एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ फिटनेस का इशू तो पहले भी था पर उसके बाद भी टीम उसको रिलेटिवली सपोर्ट कर रही थी कि वी कैन प्ले हिम एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन बिकॉज ही इज एन एग्रेसिव प्लेयर डाउन द लाइन। लेकिन जैसे ही वो ड्रॉप हुआ उसी टाइम पे न्यूज आई कि हार्दिक पांड्या के ऊपर एक रेप एलिगेशन लगा हुआ है, एक रेप एलिगेशन लगा हुआ है हार्दिक पांड्या मुनाफ पटेल के ऊपर। तो ड्रॉप करने वाला मोमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी, अगर आप नोटिस करो कि जिस तरीके से अर्जुद्दीन को महंगी महंगी घड़ियां मिलती थी दुबई में, उसी तरीके से हार्दिक पांड्या जब दुबई उबई घूम के आया तो अचानक से 5 करोड़ की घड़ियां उसके पास सब करी गई। नाउ हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली कैन अफोर्ड दीज वॉचेस, बट देन अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस यहां पे। व्हाट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा, व्हाट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा, अगर पीछे जाओ, एक राहुल शर्मा नाम का क्रिकेटर होता था आईपीएल के अंदर, पुणे की टीम से खेलता था उस टाइम पे, सौरव गांगुली कप्तान था उस टीम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पुणे के अंदर एक पार्टी बस्ट हुई थी जहां पे राहुल शर्मा उस टाइम इंडिया भी सिलेक्ट हुआ था, इंडिया खेलना शुरू किया था उसने, एक दो मैचेस खेले भी थे। उसी टाइम पे पुणे में एक पार्टी बस्ट हुई थी जहां पे राहुल शर्मा भी पकड़ा गया था और वो ड्रग बस्ट था बेसिकली, और उसका नाम आया था कि राहुल शर्मा ड्रग पार्टी में पकड़ा गया। बड़ी शांति से बीसीसीआई ने उसको ड्रॉप करके टीम से साइडलाइन कर दिया, नो वन टॉक अबाउट राहुल शर्मा। आज तक उस केस के बारे में, उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी की बस्टिंग का रिजल्ट क्या हुआ, नो वन टॉक्स अबाउट इट। उसी तरीके से हार्दिक पांड्या को भी ड्रॉप किया गया है, वेदर ही विल कम बैक इन टू द टीम और नॉट वी डोंट नो, बट वॉट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि दिस इज हाउ द अंडरवर्ल्ड वर्क्स एंड दिस इज हाउ द क्रिकेटर्स आर सेफगार्डेड कि अगर उनका नाम कहीं पे आ रहा है किसी गलत चीज में या आने वाला है तो उनको लाइमलाइट से थोड़ा दूर लेके जाओ और पब्लिक को बोलो कि बेटा मजे करो एक साल के लिए, उसके बाद क्रिकेटर को वापस ले आएंगे, सर चढ़ा के बैठा लेना। और वही हो रहा है, अजहरुद्दीन को हमने प्रेसिडेंट बना दिया एचसीए का और अजय जडेजा को हमने एक पैनलिस्ट बना के बैठा दिया बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर। नाउ कॉर्पोरेट्स जो यूज हो रही हैं आज की डेट में आईपीएल के थ्रू, क्रिकेट मैचेस के थ्रू, क्रिकेटर्स की शादियां जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके के अफेयर्स चल रहे हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देयर नीड्स टू बी अ टाइट लीश, देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग आई दैट नीड टू बी केप्ट, एन ईगल आई दैट नीड टू बी केप्ट ऑन क्रिकेटर्स एंड टू मेक श्योर कि ये लोग जो भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इनको टाइमली पकड़ा जाए और इनको सजा दी जाए। सिर्फ लाइव बैन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, अगर कोई देशद्रोह करता है, अगर आप फॉर द टॉस विनर अगर उनको मैच फिक्सिंग वगैरह स्पॉट फिक्सिंग होती है, सिर्फ बैन नहीं जेल होना चाहिए, देयर इज ऑल द राइट टू से टुडे। व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई बंदा मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में या अंडरवर्ल्ड के साथ देखा जाए, कोई कनेक्शन निकले, शुड द एजेंसीज गो अहेड एंड चेक अ लिटिल बिट मोर ऑन दैट? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज
अगर सिस्टम को क्लीन करना है, वी हैव बीन सेइंग बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट क्रिकेटर्स, दिस एंड दैट, उसका रैशनल हमको देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर फाइटिंग द लेफ्टिस्ट्स, वी आर फाइटिंग द लिब्रांडूज टू सच एन एक्सटेंट कि उनको मोहम्मद शामी की ट्रोलिंग जो पाकिस्तान में शुरू हुई उसके लिए भारत के हिंदुस्तान के मुस्लिम को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? पाकिस्तान से। इग्नाइट वहीं से हुआ, ट्रोल्स वहीं से हुआ, लेकिन भारत का मुसलमान उसको सफर कर रहा था, और भारत को जवाब देना पड़ा कि मोहम्मद शामी अच्छा इंसान है कि नहीं है, whether he deserves to be in the team or not. And all these nonsense that comes out, all these nonsense that comes out that needs to be fought, and the only way you can fight it is if you unite, aur agar aap aur logo ko leke aaye in movements mein jodne ke liye. That is why I try, main apni taraf se jitna bhai meri essence se, meri understanding se jitna ho sakta hai utne topics ko main cover karne ki koshish karta hu, and I make sure that I bring forward in front of you wo cheeze jo dusre log baat karne ki koshish nahi kar rahe ya busy hain dusre videos mein. Har kisi ka apna apna tarika hai, koi alag alag karta hai. I try to pick as many things as possible. आज मैं एक और वीडियो भी प्लान कर रहा था, एक्चुअली दो वीडियोस प्लान चल रहे हैं, बट बिकॉज यू नो घर में जैसे मैंने बताया पेंट वेंट चल रहा था, काफी इश्यूज हो रहे हैं अभी वीडियोस करने में, बट होपफुली आई बीन एबल टू मैनेज टुडे, आई विल बी एबल टू कम लाइव एवरी डे नाउ, कोई इश्यू नहीं होगा उसके अंदर, एंड विल कंटिन्यू द फाइट. That's all I'm going to say. भाई लोग मन करे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और क्योंकि लाइक करोगे तो वीडियो जाएगा, कमेंट करोगे तो रिकमेंडेशंस में जाएगा, दैट इज हाउ वीडियोस गेट स्प्रेड. और अगर जिन लोगों ने फेसबुक पे क्रिकेट रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है उनमें इनको शेयर करो, उनको भी थोड़ी रियलिटी पता चले. इतना सा करना होता भाई, आप लोगों को ज्यादा नहीं करना. मैं तो फिर भी थोड़ा पढ़ लिख के फिर वीडियो पे एक घंटे बैठ के बोलने आता हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज लाइक, शेयर, कॉमेंट, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द रीच ऑफ द वीडियो फ्रॉम 5,000 टू लेट्स से 10,000. तो भाई उसके ऊपर आई एम गोइंग टू टेक यू लीव. मुझे एक बार प्लीज ये बता दो, डू यू स्लीप एट ऑल? आई डू स्लीप, पर मैं कम सोता हूँ मीरा जी. एक बार मुझे बता दो, हाउ वाज द वीडियो क्वालिटी टुडे, हाउ वाज द ऑडियो क्वालिटी? अगर दोनों सही था, इज इट बेटर देन व्हाट इट वाज यस्टरडे और डे बिफोर जब भी मैं लास्ट लाइव था? अगर उससे बेटर था तो प्लीज एक बार मुझे चैट रूम में बताओ, थम्स अप देके, इफ द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी इज बेटर than the previous ones, and should we continue what we did today? Aaj jo setup hai us pe continue rakhe, and if peeche diwar pe sab kuch sahi dikh raha tha, koi issue nahi ho raha tha, to ek bari wo bhi bata dena. Ta 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 both very good sir, hamesha hi best hota hai, are pe aisa kuch nahi hai. Bahut good. audio can be improved. I know yaar, ye room thoda sa bada hai to maybe uske wajah se thoda echo hota hoga, but hopefully I'll find a solution to it pretty soon, and once we are back in Delhi, तो वहाँ तो अपना है sorted है, तो Delhi जब जाएंगे तो और improve हो जाएगा, but यहाँ पे भी I'll try to make sure कि थोड़ा improve हो जाए, but yeah, we can always improve. तो भाई लोग again छोटा सा request फिर से कर रहा हूँ, video को like करना, share करना, comment जरूर करना, because that makes a lot of a difference. You have no idea how much. On that note, thank you so much. Take care, भाई लोग. कल मिलते हैं एक नए topic के साथ और कुछ नए interesting facts के साथ. जय हिंद, bye bye. ध्यान रखना.